नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 15 अगस्त के लिए स्पेशल मिठाई, और वो है केले का पुआ। तो इस 15 अगस्त तो मीठा तो बनता है, तो इस 15 अगस्त आप अपने घर पर मीठे के तौर पर ये केले का पुआ ज़रूर बनाइएगा, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी भी लगेगी। तो चलिए बनाते हैं। बट उससे पहले मैं खुशबू कनौजिया और मैं अपने चैनल घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत करती हूँ। अगर रेसिपी वाली वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे पैसा नहीं लगता, बट मेरा हौसला ज़रूर बढ़ता है आगे काम करने को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बनाते हैं आज की नई रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे, और मिक्सर जार को हम साइड में रख लेते हैं, और फिर हम यहाँ पर बनाना लेंगे। बनाना थोड़ा पका हुआ हो तो बहुत ही अच्छा है। और फिर मैं इसके सारे छिलके को उतार कर मिक्सर जार में ऐड करते रहूँगी। और फिर इसे थोड़ा स्मूथ पीसने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर और इलायची पाउडर। आप इलायची पाउडर इसी समय इसमें ऐड कर दीजिएगा, फिर इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, ये ग्राइंड हो गया, और ये कितना स्मूथ ग्राइंड है। और फिर मैं यहाँ पर एक बाउल लेंगी और बाउल में ऐड करूँगी सारे मिक्सर को। और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी मैदा। और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। फिर हम इसे मिक्स करेंगे। फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे ठंडा दूध। अगर आपके पास ठंडा दूध नहीं है तो आप गर्म दूध को भी ठंडा कर इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर जो मिक्सर में लगा हुआ था हम उसे वेस्ट क्यों करें, हम उसमें पानी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स होकर साइड में रख देते हैं। जब पानी का ज़रूरत होगा तब हम इसमें ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स मिक्स। और इसे हम खूब फेटेंगे। लीजिए, यह मिक्सर तैयार है, मैंने इसे 15 मिनट तक फेटा है। आप इसे जितना ज़्यादा फेटेंगे आपका पुआ उतना ज़्यादा ही फुला हुआ बनेगा। अब मैं यहाँ पर इसे हाथ से फेटूंगी, क्योंकि हाथ से बड़ा इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर हाथ से करूँगी और इससे मेरी हाथ की मसाज भी हो जाएगा। अब मिक्सर तैयार है, अब हम इसमें ऐड करेंगे बचा हुआ थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा है। तो इसे साइड में रखते हैं, और इसमें जो मिक्सर में पानी था हम इसे एक कप में निकाल लेते हैं, और इसे हम ऐड करेंगे बैटर में।
और बैटर में इसे हम ऐड थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे ताकि ज़्यादा पानी इसमें ऐड ना हो। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे सूजी और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसे ढककर 15 मिनट का रेस्ट देंगे। आफ्टर 15 मिनट हम इसे थोड़ा सा देखेंगे कि ये कैसा है। तो देखिए इसका पेस्ट बहुत ही स्मूथ है और इसका बैटर भी बहुत ही अच्छा। फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आगे का प्रोसेस करने के लिए हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे और सौंफ यहाँ पर ज़रूर ऐड करिएगा और सौंफ को हम साबुत ही ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। तो लीजिए बैटर तैयार है। अब हम आपको आगे का प्रोसेस करते हैं और इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और पैन को गर्म करेंगे। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, अगर आप ऑयल चाहते हैं कि कम खर्च हो तो आप एक पानी लीजिए, एक गिलास पानी लीजिएगा और पानी को आप चूल्हे के पास रखिएगा। इससे आपका पानी तेल बहुत ही कम खर्च होगा। फिर हम पैन में ऐड करेंगे ऑयल और ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल को हम ज़्यादा गर्म भी नहीं होने देंगे, बस इसे हम मीडियम हॉट होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे बैटर। और इसे फ्राई होने देंगे। जब ये एक तरफ से कुक हो जाए तब हम इसे पलट कर दूसरा साइड भी कुक करेंगे। और लो को हमेशा मीडियम ही रखिएगा। इसे हम एक दो मिनट के लिए और कुक करेंगे। ये देखिए धीरे धीरे अपना कलर दे रहा है और ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन भी हो रहा है। तो लीजिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया। अब मैं इसे ऑयल से बाहर निकाल दूंगी। और इसी तरह से हम एक और फ्राई कर लेते हैं। और जब आपको गर्म गर्म खाने का मन करे जब जब आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो
तो चलिए एक और हम फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए सारे तैयार हैं। मैंने सारे भी नहीं तैयार किए क्योंकि जब इसे खाने का इच्छा होगा तब हम और फ्राई करेंगे, बाकी को हम बाद में करेंगे। और इसे हम सर्व करते हैं एक प्लेट पर। तो चलिए इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। और इसे गार्निशिंग करेंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल और किशमिश से। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म केले के पुए। और आप जब आप अपने घर पर इसे बनाना चाहेंगे तो इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए जो कि ये हैं। तो चलिए हम इसे टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा बना है, क्योंकि ये बहुत ही प्यार से तैयार किया हुआ है। देखिए ये कितना ही स्मूथ है, कितना ही ये कुरकुरा है। सच में इट्स टू यम्मी। आई होप आपको केले वाली पुए की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 इसे एक लाइक और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर ज़रूर करें। और हमें कमेंट करके बताएं कि हम आपके लिए क्या बनाएं। और सबसे ख़ास सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप फर्स्ट बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर पैसा नहीं लगता। प्लीज़ कर दो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ, ताकि आप सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो फिर मिलते हैं इसी चैनल पर घर का जायका विद खुशबू में। जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए, क्योंकि अपना भारत स्वच्छ भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड नमस्कार।